नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए हरियाणा का महा ओपिनियन पोल और जनता सर्वे। आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर है। आखिरकार दोस्तों, यहां पर हरियाणा पे 90 सीटों के अंदर किसकी बनेगी सरकार? आखिरकार दोस्तों, यहां पर हरियाणा के अंदर इस बार किसको मिलेगा हरियाणा की सेवा का मौका? आखिरकार दोस्तों, यहां पर बीजेपी, कांग्रेस या जेजेपी? दोस्तों, यहां पर तीनों पार्टियां मौजूद हैं और तीनों ही एडी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं। आखिरकार दोस्तों, यहां पर हरियाणा वो राज्य है जहां से हजारों पहलवान निकलते हैं और यहां पर देश के लिए हजारों पहलवान अपने देश का मान बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। इसी नहीं बल्कि हजारों कामयाबी भी मिलती है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्हीं हजारों कामयाबियों के बीच अब हरियाणा के अंदर कौन सी सरकार इस बार अपना झंडा लहराएगी? और दोस्तों, यहाँ पर जो खेल प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साहित है यहाँ पर हरियाणा की जनता, उसे आगे बढ़ाने के लिए हर एक सरकार उनका सपोर्ट करती है और हर एक सरकार उस हर खेल को आगे बढ़ाने में समर्थक करती है और यहाँ पर हर एक खिलाड़ी का सपोर्ट मिलता है। पर दोस्तों, यहाँ पर इस बार खिलाड़ियों को अपनी सरकार किसको चुननी चाहिए? आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो अब हरियाणा के अंदर खेल और मातृभूमि को लेकर काफी उत्साहित है और दोस्तों, इसके अंदर अब सरकार को यहाँ पर अपनी सरकार बनाने के लिए काफी सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की जनता इतनी समझदार है कि इस बार अपनी सरकार को किसी भी रूप में अच्छे से परख कर अपनी सरकार का बहुमत चुनेगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें कहा जाता है कि साफ शब्दों में जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा की जनता चाहती है उसी तरीके से सरकार बनेगी तो सरकार बनेगी, वरना इनको कोई सरकार की जरूरत नहीं है। आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर सरकार किस माध्यम से होनी चाहिए? आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा की जो मांगे हैं क्या वो पूरी कर पाएगी अगले आने वाली सरकार? आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी सरकार मौजूद है और अपनी मौजूदगी को बनाए रखने के लिए कुछ नए प्रयास करने होंगे और यहाँ पर हरियाणा की जनता को खुश करना होगा ताकि अगली सरकार बना पाए और अपना अगला झंडा लहरा सके। पर दोस्तों, इस बार लगातार हारने वाली दो बार की कांग्रेस सरकार इस बार किसी भी हाल में बीजेपी को आगे नहीं निकलने देना चाहती हो और अपनी सरकार को पीछे नहीं रहना चाहती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर इस बार कांग्रेस सरकार कुछ नया दावे पेश करेगी और यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो वादे कर रही है उनको पूरा करके इस बार अपनी सरकार पेश करेगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस चाहती है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को हरा कर अपनी सरकार को यहाँ पर तो मजबूत करेंगी करेगी, पर दोस्तों, यहाँ पर आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी अपनी सरकार को यहाँ पर पूर्ण लोड लीड देगी और यहाँ पर अपनी सरकार का बहुमत खड़ा करेगी। जबकि दोस्तों, यहाँ पर जेजेपी की बात कर ली जाए तो जेजेपी सिर्फ हरियाणा के अंदर ही चुनाव लड़ती है और दोस्तों, यहाँ पर चाहती है कि वो अपनी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ खड़ा करे और यहाँ पर हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाए जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा की जनता चाहती है उसी तरह से क्या जेजेपी सरकार बना पाएगी? आखिरकार दोस्तों, चैनल के तमाम अपडेट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और हरियाणा, पंजाब, गुजरात हर एक राज्य की तमाम अपडेट मिलती रहेंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से। तो जानने के लिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। और दोस्तों, आप हरियाणा के अंदर कौन सी सरकार को सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के लिए एक छोटा सा कमेंट तो बनता है। तो दोस्तों, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं हरियाणा के एक एक जिले के बारे में। तो यहाँ पर हम पहले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अंबाला की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को एक ही विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर जेजेपी की बात करते हैं, यहाँ पर एक सीट इनको मिल रही है जबकि इनके खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर करनाल की 9 विधानसभा सीटें और 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों का संपूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों का बड़ा बहुमत अपने नाम कर चुकी है। जबकि दोस्तों, यहाँ पर जेजेपी को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी जबकि इनके खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों का बड़ा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों, यहाँ पर एक सीट बीजेपी अपने नाम करी है। पर दोस्तों, यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 जबकि इनके खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा की हम 17 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 10 सीटों का बड़ा बहुमत अपने नाम कर चुकी है, जबकि दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटों का बहुमत जा चुका है, जबकि यहाँ पर जेजेपी को सिर्फ एक ही सीट मिली है तो इनके खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कतल की 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटों में दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट का बहुमत अपने नाम कर चुकी है, जबकि दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 1 सीट का बड़ा बहुमत है। पर दोस्तों, यहाँ पर जेजेपी को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है जबकि इनके खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर हम जींद की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, यहाँ पर 5 में से दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का बड़ा बहुमत अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को इस बार एक ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर जेजेपी भी 2 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों, यहाँ पर इनके खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जाजर की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 की 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है जबकि यहाँ पर जेजेपी
बीजेपी को 0 सीट तो इनके खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 28 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 16 सीटों का बड़ा बहुमत जमा हो चुका है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी भी 8 सीटें अपने नाम कर चुकी है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 4 सीटें ही मिली है, जबकि इनके खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर दादरी की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीटें हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 1 सीट अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में भी 1 सीट बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इनके खाते में 0 सीट है, पर दोस्तों यहाँ पर गुरुग्राम की 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में सिर्फ 1 की सीट का बहुमत जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, इसी के साथ अन्य खाते में भी 0 सीट है, पर दोस्तों यहाँ पर पलवेल की 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 2 की 2 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 35 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 18 सीटों का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 12 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में 5 सीटें, तो इसी के साथ अन्य खाते में 0। अगले जिले के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों पंचकुला की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट का बड़ा बहुमत अपने नाम कर रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर हम सोनीपत की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 4 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, यहाँ पर जेजेपी खाते में 1 ही सीट है, जबकि इनके खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का अच्छा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में सिर्फ 1 ही सीट है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी, जबकि इनके खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 44 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 44 में से यहाँ पर कांग्रेस 24 सीटों का बड़ा बहुमत अपने नाम कर चुकी है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 13 सीटें ही हैं, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 6 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर इनके खाते में सिर्फ 1 ही सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर फरीदाबाद की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 4 सीटों का बड़ा बहुमत अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में सिर्फ 2 सीटों का ही बहुमत है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर इनके खाते में भी बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम भिवानी की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 4 विधानसभा सीटें और 4 में से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में सिर्फ 1 की सीट का बहुमत है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी के खाते में भी 1 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों का बड़ा बहुमत अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में सिर्फ 1 की सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट, तो अन्य खाते में भी 0 सीट है। दोस्तों हरियाणा की 58 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 58 विधानसभा सीटों में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 17 सीटें ही है, यहाँ पर जेजेपी खाते में 7 सीटें हैं, जबकि इन खाते में 1 ही सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेवात की दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 की 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर इन खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में भी बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत है, तो यहाँ पर इन खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटें और 3 की 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी अपने खाते में जमा करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में 0, तो इनके खाते में भी 0 सीट का ही बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर हम हरियाणा की 68 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 68 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 42 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 17 सीटें जमा हो चुकी है, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में 7 सीटें, तो इनके खाते में भी 2 सीटें जमा हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर रोहतक की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 4 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम कर रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 की सीट है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में भी 1 सीट का ही बहुमत है, पर दोस्तों यहाँ पर इनके खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सिरसा की 5 विधानसभा सीटें और 5 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम कर रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 1 सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो यहाँ पर इनके खाते में 2 सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटों का बड़ा बहुमत है, जबकि यहाँ पर बीजेपी 1 सीट अपने नाम करेगी, तो यहाँ पर जेजेपी को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी, तो इनके खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 83 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 49 सीटें अपने नाम कर रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी 20 सीटें, तो यहाँ पर जेजेपी 8 सीटें, जबकि इनके खाते में 6 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर हिसार की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 7 विधानसभा सीटों में यहाँ पर कांग्रेस 5 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट मिल रही है, तो यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिलेगी, जबकि इनके खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 90 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस 54 सीटों के साथ अपनी जीत का
आगाज करी है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 21 सीटें मिली है, जबकि जेजेपी को 8, तो इनके खाते में 7 सीटें। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर क्या आपके क्या मानना है इस ओपिनियन पोल के बारे में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। क्या कांग्रेस ओपोजिटों के साथ जीत दर्ज कर सकती है? जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएगा। वेट करते हैं, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।